বিজেপি নেতৃত্বে ঠিক কি কি প্রতিক্রিয়া উঠে এলো শোনাবো। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव आपके बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ़ करो कांग्रेस की सरकार। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। जितना कीचड़ विपक्ष ने उछाला उतना ही मोदी जी निखर कर आए। तेलंगाना में हमारी एक सीट थी, वहाँ से बढ़कर कई गुना ज़्यादा हुई हैं। देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक प्रकार से जनता ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।